नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ Realme C11 में आपको अलार्म कैसे सेट करना है। तो गाइस, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लॉक पे जाना है। इसके बाद आप एग्री कर देंगे अगर आपने न्यू फ़ोन लिया है तो आपको यहाँ पे अलार्म का ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्लॉक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्टॉपवॉच और टाइमर। लेकिन अभी हमें अलार्म सेट करना है तो हम अलार्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको प्लस का निशान दिखाई देगा तो आप इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको जिस टाइम का अलार्म चाहिए वो टाइम सेट कर लेंगे। जैसे मुझे मॉर्निंग का 6 बजे का अलार्म चाहिए तो मैं यहाँ पे 6 डाल लूँगी और इसके बाद 00। और यहाँ पे आपको AM और PM का ऑप्शन देखने को मिलेगा। PM यानी कि 12 बजे के बाद का टाइम, दोपहर के 12 बजे के बाद का टाइम, और AM का मतलब यानी कि सुबह सुबह रात के 12 बजे के बाद का टाइम AM होता है। तो यहाँ पे मैंने AM डाल लिया है, यानी कि सुबह 6 बजे का अलार्म मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा अलार्म नेम। अगर आप जिस पर्पज़ के लिए अलार्म सेट करना चाहते हैं वो पर्पज़ लिख देंगे। जैसे मैंने मॉर्निंग वॉक के लिए सेट किया है तो मैं मॉर्निंग वॉक डाल दूंगी। और आपको जिस पर्पज़ के लिए अलार्म सेट करना है आप वो डाल सकते हैं। इससे आपको रिमाइंड हो जाएगा कि आपको इस टाइम पे दवाई लेनी है या मॉर्निंग वॉक पे जाना है या ऑफिस जाना है या मीटिंग करनी है। ओके, तो अब आपका यहाँ पे रिंग वंस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपका एक ही बार रिंग बजेगा, दोबारा से नहीं बजेगा। और इसको अगर आप कस्टम करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो रिपीट कर देंगे आप कि आपको हर दिन चाहिए, तो संडे को कोई अलार्म नहीं चाहता है तो संडे को छोड़ के बाकी का टाइम आप सेट कर लेंगे ऐसे क्लिक करके। और जिस दिन नहीं चाहिए उसको दोबारा से क्लिक कर देंगे तो ये दोबारा से वाइट हो जाएगा, तो इस दिन आपका अलार्म नहीं बजेगा। इसके बाद आप बैक कर देंगे और यहाँ पर आपका वाइब्रेशन का ऑप्शन रहेगा। अगर आपको वाइब्रेशन नहीं चाहिए अलार्म में तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके अलार्म में वाइब्रेशन नहीं आएगी। और सबसे लास्ट में आपको स्नूज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। स्नूज का मतलब होता है कि अलार्म जब तक बजेगा जब तक आप उसको अपने हाथों से बंद नहीं करते, तो 5-5 मिनट पे वो वाइब्रेट करता रहेगा, बजता रहेगा, करता रहेगा, बजता रहेगा। अपने हिसाब से इसको सेट कर लेंगे कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसके बाद आप फाइनली इसको सेव कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अलार्म में मेरा 6 बजे का अलार्म जो है सेट हो चुका है। अगर आपको किसी टाइम अलार्म नहीं चाहिए, अपने फ़ोन से हटाना है, तो आप दोबारा से इस पर क्लिक कर देंगे रेड वाले मार्क पे, तो आपके फ़ोन से अलार्म हट जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक घड़ी बनी हुई आ गई है अलार्म जैसी, यानी कि ये अलार्म सेट हो रखा है। अगर मैं इस पर दोबारा से क्लिक करूँगी, ऑफ़ कर दूँगी, तो यहाँ से वो घड़ी हट गई है। तो इस तरह से आप अलार्म को हटा सकते हैं और दोबारा से अपने फ़ोन में लगा सकते हैं। तो गाइस, इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस, मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।